नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं एग्री एशिया गांधीनगर में। यहाँ पर एक शानदार जुगाड़ देखने को मिला है, जो कि एक पावर टिलर की तरह काम करने वाला मिनी ट्रैक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सर का परिचय कराते हैं। सर, एक बार आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम है हार्दिक पटेल और अपनी कंपनी का नाम है नमस्ते एग्रोट है, और ये सब हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। टोटली इसको बोलते हैं पावर रिपर मशीन, जो गेहूँ धान कटाई के लिए उपयोग में हम ले सकते उस तरीके का पूरा मशीन है। ये रोटावेटर मशीन है, जिसको हम पावर वीडर या फिर पावर टिलर बोल सकते हैं। ये 12 हॉर्स पावर पावर टिलर का मशीन है। हाँ, इसमें हम जुताई वगैरह कर सकते हैं आसानी से, और गहराई में 5 से 6 इंच ऊंडाई में हम जुताई कर सकते हैं ये मशीन से। ये 9 हॉर्स पावर डीजल मशीन है, ये 7 हॉर्स पावर पेट्रोल है, वो 7 हॉर्स पावर पेट्रोल है, ये 3 हॉर्स पावर मिनी वीडर है फोर स्ट्रोक इंजन के साथ। ये सब एग्रीकल्चर यूज के लिए, फार्मरों के लिए बढ़िया से बढ़िया मशीन है, जो आसानी से 1 घंटे में 1 लीटर पावर पेट्रोल या फिर डीजल का कंजप्शन करके हम खेत में यूज कर सकते हैं ये सब। ये जो मशीन है, इसको बोलते हैं फोर व्हील पावर टिलर मशीन, और ये स्टेयरिंग वाला पूरा मशीन है। इससे किसान आसानी से बैठ के चला कर खेत में काम कर सकता है। इसके लिए ये मशीन की तरह खेत में खड़े खड़े काम नहीं करना पड़ेगा। ये 12 हॉर्स पावर पावर टिलर डीजल इंजन में है पूरा मशीन। इसमें कामा का सर्टिफाइड इंजन लगा हुआ है इसमें, और इसमें ये मशीन का उपयोग है कि ये आगे के टायर और पीछे के टायर दोनों निकल के हमें ये रोटावेटर सेट करने हैं, और बैठ के खेत में चलाना है और जुताई करना है उससे। ये मशीन के साथ बैटरी भी आएगी, सेल्फ स्टार्ट पूरा मशीन है। हम सेल्फ के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये दूरी खींच के भी स्टार्ट कर सकते हैं इंजिन। इसमें बल्ब दिया गया हुआ है, उसके बाद इसमें हॉर्न सिस्टम दिया गया है, हैंड ब्रेक सिस्टम है इसमें, फॉरवर्ड रिवर्स गियर है, हाई स्पीड लो स्पीड पूरा गियर के सिस्टम के साथ दिया गया है। उसमें हैंडल भी है, आगे का गियर बॉक्स आप अलग करके ऐसे खड़े खड़े चला नहीं हो तो ये मशीन आप उपयोग में ले सकते हैं पूरा मशीन। तो सर, इससे किसान भाई क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए, खास तो मेन जो काम रहता है वो जुताई का काम रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम रहता है कि हल चलाना, वो सब काम करना है तो पीछे के साइड पीटीओ साहब ऑप्शन दिया है। इससे दवाई छिटकने वाला पंप लग सकता है, इसमें पानी खींचने वाला पंप लग सकता है, ये छोटा सा कल्टीवेटर है वो लग सकता है इसमें से। जो काम बड़ा ट्रैक्टर या छोटा मिनी ट्रैक्टर करता है, वो सभी काम ये मिनी रोटावेटर करेगा 12 हॉर्स पावर का। तो सर, इसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो क्या रहने वाला है? पर घंटे के हिसाब से कितना डीजल? फ्यूल कंजप्शन पर घंटा पर लीटर के हिसाब से पूरा कंजप्शन रहता है उसका, पर घंटे का पर लीटर। और इसकी कीमत क्या रहने वाली सर? कीमत इसकी, अभी इसकी प्राइस है 2 लाख, लेकिन हमने एग्जीबिशन डिस्काउंट प्राइस 1,80,000 के आसपास रखी है अभी। इसमें आप ये टायर निकाल दो, उसके बाद ये ब्लेड फिट कर दो। टायर निकालने हैं, उसके लिए यहाँ पे छोटा सा नट बोल दिया है और एक आर्क पिन दी गई है, ठीक है। उससे निकाल के ये ब्लेड लगा सकते हो। आगे का प्रोसेस भी सेम है, पीछे का प्रोसेस भी सेम है। तो ये ब्लेड लगाने के बाद ये ब्लेड क्या क्या काम करने वाली है? जुताई के लिए, खेत में जुताई अच्छी तरह से कर पाएगी जी। मानो कि जो छोटा किसान है, जिसके वहाँ पे जमीन कम हो, ठीक है, जो एकड़ में जमीन ना हो और बहुत कम है, जहाँ पे ट्रैक्टर एंटर नहीं हो सकता बड़े बड़े, वहाँ पे ये मशीन एंटर आसानी से हो सकता है।